सो हम स्टार्ट लेते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम फजर चौधरी है और मैं फ्रीलांस ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनर हूँ और ट्रेनर भी हूँ। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी देती हूँ और नाउ अ डेज पेंटियम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वेब डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग्स दे रही हूँ। कोड चेजर के साथ एज अ टीम मेंबर मैं वर्क कर रही हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है वो जैसा कि आप सबको पता है कि वो कैनवा से रिलेटेड है। कैनवा डिज़ाइन का कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस आपको फ्री में करवाया जा रहा है कोड चेजर की तरफ से। और इसमें हम प्रॉपर सीखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल ही आप इसको कह सकते हैं। कैनवा जो है, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कैनवा का नाम भी नहीं सुना होगा, मतलब कि वो फर्स्ट टाइम कैनवा का नाम सुन रहे होंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कैनवा के बारे में जानते तो होंगे कि कैनवा क्या है और कैसे यूज़ किया, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, उन्होंने कभी इसको यूज़ नहीं किया होगा। आज हम ये कैनवा का कोर्स स्टार्ट करने का हमारा पर्पस ही यही है कि आप सबको ये सिखाया जाए कि कैनवा को कैसे यूज किया जाता है और कैसे यूज करके हम उसमें अपने टैम्पलेट्स क्रिएट करके या जो बने बनाए टैम्पलेट्स हैं उनको कस्टमाइज करके हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हम आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि कैनवा से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट में छोड़ दीजिएगा, मैं थोड़ी देर के बाद चैट चेक करके आपको रिप्लाई दे दिया करूंगी। ठीक है, कैनवा का इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज कैनवा, कैनवा है क्या। कैनवा जो है एक डिजाइनिंग टूल है, ग्राफिक डिजाइनिंग टूल आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपको बने बनाए टैम्पलेट्स मिल जाएंगे और जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो डजेंट मैटर, लाइक आपको फोटोशॉप नहीं आता, आपको एडोब इलस्ट्रेटर नहीं आता, एडोब इन डिजाइन नहीं आता, या फिर और कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल नहीं आता, तो आप कैनवा को इजीली यूज करके अपनी स्किल एनहेंस कर सकते हैं। एक इसका पर्पस ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल फोन से कोई ऐसी स्किल उनको सिखाई जाए कि मोबाइल फोन पे वो सेल आउट कर सकें और अर्निंग कर सकें, तो उसके लिए भी कैनवा जो है बेनिफिशियल है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो इसकी एप्लीकेशन, एक तो है ना कैनवा की वेबसाइट, उसके अलावा कैनवा की एप्लीकेशन भी है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इसकी एप्लीकेशन यूज करके मोबाइल फोन फोन में ही टैम्पलेट्स को कस्टमाइज करके डिजाइन क्रिएट करके उनको सेल आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कैनवा की जो वेबसाइट है और जो एप्लीकेशन है उसमें थोड़ी बहुत फीचर्स में डिफरेंस होगा कि जो लैपटॉप पे आप यूज करेंगे तो आपको फीचर्स थोड़े ज्यादा मिलेंगे, और अगर आप मोबाइल पे यूज करते हैं तो आपको इतने ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और फिर हम चलते हैं। जस्ट अ मिनट। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ऑलराइट।
सो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कैनवा, canva.com वेबसाइट है। गैलेक्सी S9 प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। ओके, जब आप कैनवा को सर्च करते हैं canva.com, तो अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, इसका होता है ना कि आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है, अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा कि आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक सेकेंड, अब अगर आप देखें, मैंने सर्च किया canva.com तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ गई जहां पे लिखा हुआ है लॉग इन और साइन अप। अगर तो आपने इसका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप लॉग इन करेंगे, अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहां से आप साइन अप कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए हुए, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल। अगर तो आपने गूगल के साथ कनेक्ट किया हुआ अपना जीमेल अकाउंट तो आप वहीं से इसको कंटिन्यू करें, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज फेसबुक से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करेंगे। मैं कोई भी ईमेल एंटर करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और ऑलराइट, मैं आपको ये स्टेप्स बता रही हूँ। अपना यूजर नेम रखेंगे और पासवर्ड देंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो मैं अभी दोबारा से इसको क्रिएट नहीं करूंगी। ओके, आप लोग अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, अगर कोई इश्यू आता है तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। ये है कैनवा का डैशबोर्ड। ओके, ये कैनवा का डैशबोर्ड है। अगर हम इसको देखें तो इसमें हम वन बाय वन सारी चीजों को कवर करेंगे। कैनवा यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मेन्यू है इसका, हाइड मेन्यू करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको जो पैनल नजर आ रहा था वो हाइड हो जाएगा। अगर इस पे अगेन क्लिक करेंगे तो वो पैनल शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें, डिजाइन स्पॉटलाइट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट क्रिएटिंग, लर्न मोर अबाउट टॉप प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लोगो मेकर, फ्लायर मेकर, बैनर्स एक्सेट्रा, काफी सारी कैटेगरीज दी हुई जिनके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे आपको डिफरेंट फीचर्स, इंडस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिहाज से डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड, उसके बाद हमारे पास है प्लान्स एंड प्राइसिंग, यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऑप्शंस दे रहा है कि कैनवा फ्री, प्रो या टीम्स। तीन तरह के कैनवा के अकाउंट्स हैं, फ्री में, प्रो में और टीम्स में। मोस्टली हम यूज करते हैं कैनवा फ्री या फिर कैनवा प्रो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम कंपेयर प्राइसिंग कर लेते हैं। यहां पे देखें प्लान्स एंड प्राइसिंग, कैनवा फ्री, कैनवा प्रो एंड कैनवा फॉर टीम्स। कैनवा फ्री में और प्रो में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ कि कैनवा फ्री में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे, जो कि कैनवा प्रो में मिलते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस ये है कि कैनवा फ्री जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है और इसमें फ्री टेम्पलेट्स हैं कुछ, लाइक 250,000 प्लस फ्री टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे।
कैनवा फ्री में, ठीक है, और इसमें 1 मिलियन प्लस फ्री फोटोज एंड ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगी, 100 प्लस डिजाइन टाइप्स, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, लेटर्स एंड मोर। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे दिया 5 GB की स्टोरेज आपको मिल जाएगी कैनवा फ्री के अकाउंट में। कैनवा प्रो में आप एज अ टीम वर्क कर सकते हैं, इसमें आप टीम मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, और जो कैनवा फॉर टीम है इसमें भी आप टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जो कैनवा प्रो है, प्रो में आपको डिफरेंट लाइक 100 मिलियन प्लस प्रीमियम स्टॉक फोटोज मिल जाएंगी। यहाँ पे कितना था, 1 मिलियन, और यहाँ पे 100 मिलियन, तो अगर देखा जाए तो 1 मिलियन भी इस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे हमारे लिए काफी है। हम जो यूज करें कैनवा फ्री में यूज करें वो भी हमारे लिए काफी है इस स्टेज पे। 5 GB की स्टोरेज है और यहाँ पे है 1 TB की स्टोरेज, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कैनवा फ्री में और कैनवा प्रो में। तो फिलहाल हम जो है कैनवा फ्री को लेके चलेंगे, और इनकी प्राइसिंग भी देख लें आप। अगर कैनवा प्रो लेते हैं तो 54.99 ऑलमोस्ट $55 पर ईयर आपको देने पड़ते हैं। Alright, what are you doing, Vicky? आप मेरी स्क्रीन पे just a minute. Okay. So, आपको समझ आ गई कैनवा फ्री की एंड कैनवा प्रो के अकाउंट की। हम कैनवा फ्री को लेके चलेंगे, फिलहाल हम जो अपना काम करेंगे वो कैनवा फ्री पे करेंगे, ठीक है। फ्री में हम उसको टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं और कैसे उसको यूटिलाइज करना है वो हम सीखेंगे। लेकिन जब हम कैनवा फ्री को सीख जाएंगे उसके बाद हम कैनवा प्रो की तरफ जाएंगे। कैनवा प्रो का अकाउंट है मेरे पास, तो मैं आपको उसमें भी कैसे डिजाइंस क्रिएट करते हैं, उनके कौन से फीचर्स हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, तो कैनवा प्रो पे भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो अगर आप शुरू में तो कैनवा फ्री का यूज करें ना, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है कि अब आपको कैनवा प्रो ले लेना चाहिए, तो आप कैनवा प्रो ले सकते हैं। और अगर हम ये बात करें एक सेकेंड, ओके, अगर हम बात करें कि कैनवा हम क्यों यूज करते हैं, ओके, कैनवा हम क्यों यूज करते हैं, कैनवा हम इसलिए यूज करते हैं कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई स्किल नहीं है, तो हम कैनवा को यूज करके ग्राफिक डिजाइनिंग के डिफरेंट टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद उनको सेल आउट कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैं ये लाइंस रिमूव कर दूं। ऑलराइट, सो यहां से बैक जाएंगे और इसका डैशबोर्ड देखते हैं, इसके डैशबोर्ड को ओवरव्यू। ये टॉप जो बार है ये तो आपको समझ आ गई होगी। हाँ, यहाँ लर्न पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बारे में डिफरेंट जो टेम्पलेट्स हैं, डिफरेंट जो फीचर्स हैं, उनके बारे में आप इसके ब्लॉग भी रीड कर सकते हैं और ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर सपोर्ट से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगेन, ये हेल्प का आइकन है, हेल्प सेंटर का, यहाँ क्लिक करके आप हेल्प सेंटर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्यूरी है उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे अकाउंट सेटिंग, पेमेंट, प्राइसिंग, बिलिंग के लिहाज से डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए, तो इनको भी एफएक्यूज वगैरह भी होंगे यहाँ पे, उनको देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व नहीं होता तो आप कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे तो अकाउंट सेटिंग में आपने जो अकाउंट क्रिएट किया होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आप अपना एक ईमेल देंगे और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे। और अगर अकाउंट क्रिएशन में, ये तो वैसे बहुत सिंपल है, हर किसी को पता होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू आता है तो फिर कल हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये अकाउंट से रिलेटेड, जो अकाउंट आपने क्रिएट किया होगा उसका यहाँ से प्रोफाइल इमेज अपलोड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फोटो को। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और रिमूव फोटो कर देती हूँ तो मेरे ये यहाँ से जो फोटो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अपलोड फोटो करेंगे तो अपलोड कर सकते हैं। अकाउंट का नेम, आप क्या नेम रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ इसको एडिट करके मैं यहाँ पे कर देती हूँ फजा सीएच, ठीक हो गया। इसको सेव करेंगे तो अभी हमारा जो अकाउंट का नेम होगा वो इस नाम से आ जाएगा। ईमेल एड्रेस जो आपने यूज किया होगा, उसके बाद व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर, कैनवा आप किस लिए यूज करें, स्मॉल बिजनेस के लिए, स्टूडेंट, टीचर, लार्ज कंपनी, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स भी शो होंगे मोस्टली, और प्राइसिंग प्लान्स वगैरह भी आपको सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक हो गया। बाकी अगर आपने कोई सोशल मीडिया का अकाउंट इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो वो आप यहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से डिसकनेक्ट कर दें, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे लॉग इन एंड सिक्योरिटी के हवाले से, ईमेल प्रेफरेंसेस के हवाले से, पेपल बिलिंग प्लान्स एक्सेट्रा, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो ये हम बाद में इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इस स्टेज पे, ठीक हो गया। हम यहाँ से जाएंगे बैक, अगेन टॉप पर आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करके आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि खुद का डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए सजेशंस में आ रहे हैं कि आप वीडियो क्रिएट करें, फ्लायर, बिजनेस कार्ड, लोगो, इंस्टाग्राम पोस्ट, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, काफी सारे ऑप्शंस आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं कि आप इनमें से कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कस्टम साइज लेना चाह रहे हैं, लाइक अगर मैं फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे इसका साइज दिया हुआ 940x788 pixels, ठीक है। अगर आप कस्टम साइज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी मर्जी से आप विड्थ दे देंगे और हाइट दे देंगे, उसको आप डिफरेंट यूनिट्स दी हुई है लाइक पिक्सल्स, इंचेस, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजली हम डिजाइनिंग में पिक्सल्स का यूज कर रहे होते हैं तो बाई डिफॉल्ट आपको पिक्सल्स ही देगा। यहाँ पे साइज देने के बाद क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ कैनवा को समझ रहे हैं, इसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि ये कैसे, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट आपके अगेन प्रोफाइल की सेटिंग्स आ जाएगी, हेल्प आपको चाहिए, गेट द कैनवा ऐप। कैनवा की हम यहाँ ये वेबसाइट यूज कर रहे हैं, अगर आपको इसकी एप्लीकेशन चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। रेफर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं और आप वो कोई परचेजिंग करता है कैनवा से तो उसका आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। क्रिएट अ टीम, टीम क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी है और यहाँ से आप साइन आउट करके न्यू अकाउंट लॉग इन भी कर सकते हैं या फिर साइन आउट प्रॉपरली कर सकते हैं। ओके, सो लेफ्ट साइड पे जो पैनल है उसकी तरफ जाते हैं अभी। ओके, एक सेकेंड, लेफ्ट पैनल पे आप देखें पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल आपका जो अकाउंट है ये पर्सनल है और ये फ्री अकाउंट है, ठीक है। इसमें कितने यूजर्स हैं, वन यूजर ओनली में, और ट्राई कैनवा प्रो, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से प्रो भी ले सकते हैं, यानी कि इसका जो प्रो वर्जन है उसको परचेज कर सकते हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये होम की स्क्रीन है, ठीक है। टेम्पलेट्स पे जब क्लिक करते हैं टेम्पलेट्स पे, तो टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स ये होते हैं कि बने बनाए डिजाइन डिफरेंट
प्लेटफॉर्म्स के से रिलेटेड बने बनाए डिजाइंस पड़े होते हैं, उनको आप यूज करके, उनको आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके, अपना डेटा ऐड करके सेल आउट कर सकते हैं. लाइक आप अगर एज अ फ्रीलांसर काम करें तो भी आप ये काम कर सकते हैं, इनको कस्टमाइज कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपका अपना कोई बिजनेस है, उसकी आपको पोस्ट बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं. यहाँ से एड्स बनाना चाह रहे हैं तो एड्स वगैरह भी बना सकते हैं. तो मैंने टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन था, मैंने टेम्पलेट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, डिफरेंट कैटेगरीज बता रहा है कि स्कूल, फूड, बर्थडे, समर, बिजनेस एक्सेट्रा, काफी सारी कैटेगरीज हैं कि किससे रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स चाहिए. ठीक है, हम जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड हमारे पास टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे. लाइक मैं यहाँ पे कर देती हूँ, किस पे कर दिया है, स्कूल टेम्पलेट्स पे. ठीक है, ऑटोमेटिकली मैंने वो क्लिक किया तो हो गया स्कूल टेम्पलेट्स पे. चले मैं बैक जाके आपके सामने करती हूँ कि लाइक मुझे बिजनेस के जो टेम्पलेट्स हैं इनके बारे में. ओके, यहाँ पे एक पॉपअप शो हुआ है कि ये जो फ्री मीटिंग है, हम जूम का जो फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इसमें एक लिमिट होती है क्लास की थी. ठीक है, जो कि 10 मिनट्स रह गए हैं, और 10 मिनट्स के बाद ये मीटिंग जो है स्टॉप हो जाएगी, तो आप उसको रीज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, जब ये मीटिंग स्टॉप हो जाती है तो आप उसको रीज्वाइन करके हम नेक्स्ट सेशन में जंप कर जाएंगे. ठीक हो गया, चलिए तब तक देख लेते हैं. स्कूल बिजनेस, स्कूल फूड, परचेज, समर एक्सेट्रा, मैं बिजनेस पे क्लिक करती हूँ. अभी आप देखें यहाँ पे जो आपको टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं, रिकमेंडेशंस में भी और ट्रेंडिंग में और न्यू इन कैनवा वीडियोस एक्सेट्रा, काफी कुछ शो हो रहा है. हम क्लिक करते हैं बिजनेस पे. ओके, अब देखें बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे. यहाँ पे देखें कितने टेम्पलेट्स हैं, ऑलमोस्ट 2 लैक्स, 3 लैक, सॉरी 2,02,966 टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं. ठीक है, और हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट साइज के हैं. इसमें आपको फेसबुक से रिलेटेड भी होंगे, इंस्टाग्राम से रिलेटेड होंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, डिफरेंट साइजेस में आपको शो हो रहे होंगे. तो जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, लाइक मुझे कोई भी टेम्पलेट ये अच्छा लगता है, मैं इस पर क्लिक करूंगी, इसको कस्टमाइज करूंगी. कस्टमाइजेशन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. एंड जैसा कि मैंने बताया कि अभी के लिए हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, तो इन टेम्पलेट्स को कस्टमाइज करके, अपना डेटा पुट करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक हो गया, और अगर हम यहाँ पे देखें कैटेगरीज में, लेफ्ट साइड पे भी फिल्टर आउट कर सकते हैं ऑल कैटेगरीज. ये तमाम कैटेगरीज जो आपको ऊपर शो हो रही थी ना, वो यहाँ पर भी शो हो रही हैं. ये तमाम कैटेगरीज, लाइक मैंने बिजनेस पे क्लिक किया कि मुझे बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स चाहिए, तो मैं बिजनेस पे क्लिक यहाँ पे करूंगी तो आपको यहाँ पे सब कैटेगरीज नजर आएंगी. बिजनेस से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, प्रोटोटाइप, माइंड मैप, व्हाइट बोर्डिंग, प्लानर, कैलेंडर, रिज्यूमेस, प्रोपोजल, क्या चीज चाहिए, इनवॉइस चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पे क्लिक करेंगे. लाइक मैं रिज्यूमे पे क्लिक करती हूँ तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए रिज्यूमेज आपको शो हो जाएंगे, यानी कि सीवी, सीवी आप बना सकते हैं. यहाँ पे क्लिक किया, बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद है. चले मैं एक पे क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ. ये सीवी है, मैं चाह रही हूँ कि इस सीवी को मैं कस्टमाइज करना चाह रही हूँ और मैं अपना डेटा इसमें एंटर करना चाह रही हूँ. ठीक है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है और आपके पास आ जाएगा कैनवा एडिटर. इसको बोलते हैं कैनवा एडिटर, मीन्स के यहाँ पे आप टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं. ये आ गया आपके पास. ठीक है, इसको मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा. यहाँ से अपनी फोटो डाल सकती हूँ, यहाँ पे अपना नाम और जो भी रेजिग्नेशन है और प्रोफेशनल प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, जो भी अब हम अपने सीवी में ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. अगर हमें कोई पार्ट नहीं चाहिए तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं. लाइक लैंग्वेज हमें नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपली इस पे डिलीट पे क्लिक करूँगी और डिलीट हो जाएगी. लेकिन अभी के लिए आप इसको छोड़ दें क्योंकि हम प्रॉपर इसको कस्टमाइज करना देखेंगे. फिलहाल हम कैनवा एडिटर को नहीं देख रहे, हम कैनवा का डैशबोर्ड देख रहे हैं. ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे यहाँ से तो ये आपके पास अगेन कैनवा का डैशबोर्ड आ जाएगा.
ओके, कैटेगरीज में हमने देख लिया कि हम बिजनेस कैटेगरीज सर्च कर रहे थे और बिजनेस से रिलेटेड उसकी सब कैटेगरीज हमारे पास आई, उनमें से हमने रिज्यूमे को सेलेक्ट कर लिया। सोशल मीडिया की कैटेगरी चाहिए, यहाँ सोशल मीडिया पे क्लिक करें, अगेन आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पोस्ट, कवर, एड्स एक्सेट्रा, काफ़ी सारे आपको सब कैटेगरीज मिल जाएंगी। ऑलराइट, लाइक मैं फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। फेसबुक पोस्ट के बाद देखें आप यहाँ पर आपके पास फेसबुक की पोस्ट आ जाएगी और अगेन आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अगर आप देखें यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, अगर आपको कहीं पे ये देखें ये क्राउन का आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ प्रो लिखा हुआ है, इट मींस के ये जो है टेम्पलेट ये प्रो वर्जन में अवेलेबल होगा, यानी कि आप प्रो वर्जन में इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जिनके साथ प्रो नहीं है तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगेन वीडियो आपने लेनी है, वीडियो भी आपके पास बनी बनाई आ जाएंगी, उनको भी आप एडिट कर सकते हैं। काफी सारी कैटेगरीज हैं, वन बाय वन इंशाल्लाह मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे हम। देन है स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट जो फिल्टर टाइप यहाँ पे दी हुई है वो है स्टाइल की, मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट मीन्स कि आपको सिंपल सा कोई मिनिमल सा डिजाइन चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे कि मेरे पास जो मिनिमल डिजाइन है वो शो कर दें। और उसके अलावा मॉडर्न, अगर आप देखना चाह रहे हैं मॉडर्न डिजाइन शो करेंगे, देखें मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट किया हुआ है, एक एक यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है कि मुझे मिनिमल डिजाइन चाहिए। साथ में बता भी रहा है कि मिनिमल डिजाइन में आपको कितने टेम्पलेट्स मिलेंगे, लाइक 11,000, मॉडर्न में आपको 14,000 एक्सेट्रा। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो मजीद आपको क्लीन, न्यू, बोल्ड, कलरफुल, फेमिनिन एक्सेट्रा, काफी सारे आपके पास स्टाइल्स मौजूद हैं जो भी आप रखना चाहें। थीम, थीम आपको कौन सा चाहिए, पिंक, बिजनेस का, इलस्ट्रेशन का, मार्केटिंग का, पोस्ट का, जो भी थीम चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें उसी से रिलेटेड टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अभी तो रहते हैं हमारे पास, चलें थोड़ा सा टाइम है, चलें ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके चैट्स रीड करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास फिल्टर है वो है प्राइसिंग का। यहाँ पे देखें फ्री एंड प्रो, अगर यहाँ भी आप देखें तो प्रो एंड फ्री, ठीक है, प्रो वाले भी आपको मिलेंगे और फ्री वाले भी मिलेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो मैं अगेन फ्री पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे सारे फ्री वाले टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे, तो इनको हम इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कलर, लाइक आपका कोई ब्रांड कलर है, स्पेसिफिक कलर, लाइक ब्रांड कलर हमारा जो है वो इसमें है, रेड में है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, इस कलर में जितने भी आपके पास पोस्ट बनी हुई होंगी वो शो हो जाएंगी, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये वाला कलर दिखाई देगा। लाइक ब्लू पे क्लिक करती हूँ तो ब्लू में जितनी पोस्ट होंगी वो दिखाई देंगी, ठीक हो गया। अगर आपने इसको जो फिल्टर आउट किया उसको क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, जितने फिल्टर्स लगाए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और अब हम वापस जाके यहाँ से एक तो फ्री पे क्लिक करते हैं। अभी देखें ये तकरीबन 2,00,000 है और अगर मैं यहाँ पे फ्री पे क्लिक करूँ तो फ्री वाले हमें कितने मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 75,000 फ्री टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्रो अकाउंट नहीं है तो फ्री में भी आप इतने टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। अब मुझे इस कलर में चाहिए तो मैंने क्लिक किया, करने के बाद मुझे इसी कलर में सारे टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे, तो मैं इनको कस्टमाइज कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब हम जाते हैं चैट रीड कर लेती हूँ मैं। ये क्लास डेली होगी, क्लास डेली नहीं होगी, क्लास वीकेंड पे हुआ करेगी, सैटरडे एंड संडे। ऑलराइट, समर ख्वाजा जी, हाँ अच्छी ऐप है, बहुत मजे की है और बिगनर्स के लिए स्पेशली। प्रोफेशनल वर्क के लिए भी हम कैनवा का यूज कर सकते हैं और एट बिगनर लेवल पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। यस, 40 मिनट्स इज इनफ। अच्छा ठीक हो गया, नाइस लेक्चर, थैंक यू। उसमें क्या न्यू है समर ख्वाजा, आई थिंक आपका पहले आया था ये क्वेश्चन और मैं बता चुकी हूँ, आपको कंफर्म हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है। कैनवा सीखना क्यों जरूरी है, कैनवा सीखना, मैं ये भी इसका आंसर दे चुकी हूँ कि कैनवा सीखना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको ग्राफिक स्किल्स कोई नहीं आपके पास, लाइक आपको एडोब इलस्ट्रेटर नहीं आता, फोटोशॉप नहीं आता, तो आप कैनवा को यूज करके
अपनी डिजाइन करके पोस्ट वगैरह उनको सेल आउट कर सकते हैं. प्लीज स्पीक सम बिट लाउडली. ओके ओके आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पूरी वीडियो सीक्वेंस के साथ नहीं समझी जा सकती. अगर पॉसिबल हो तो यस, यूट्यूब चैनल पे कोडचेजर के नाम से यूट्यूब का चैनल है, वहां पे ये अपलोड कर दी जाएगी. और इसके अलावा फेसबुक लाइव पे भी आप देख सकते हैं, वहां पे भी ये लाइव जा रहा होगा. हाउ वी विल अर्न फ्रॉम दिस ऐप. ऑलराइट, ये हम आपको बताएंगे जब हम कैनवा यूज करते हैं. एक मिनट रह गया, एक मिनट में जल्दी से. ये अभी 19 न्यू मैसेजेस आ चुके हैं, तो इस एक मिनट में कवर करना मुश्किल है. आपके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सेशन में आप काइंडली उसको नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होते ही आप प्लेस कर दीजिएगा. पहले मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट जी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी बाद में. ग्रेट, थैंक यू. 40 मिनट्स इज नॉट इनफ, एटलीस्ट 1:30 चलें, देखते हैं जितना भी टाइम हमने लिया.